सब्सक्राइब कीजिए कुछ नया सीखें चैनल, लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है कुछ नया सीखें। माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, वीडियो थोड़ा लेट हुआ, तो चलो कोई बात नहीं, देर आए पर आए तो सही। तो आज हम करेंगे एक फ़ोन की अनबॉक्सिंग जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी J4। जी हाँ दोस्तों, तो बिना समय गंवाए और कर लेते हैं अनबॉक्सिंग और देख लेते हैं क्या इसके फ्यूचर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा सैमसंग गैलेक्सी J4 32GB के साथ, 3GB रैम के साथ। और यहाँ पे बात करते हैं हम, तो ये हमको मिल जाएगा ब्लैक कलर में, और जो इस बॉक्स की प्राइस है वो है 12,900। तो एक्चुअली ये मैंने ऑफलाइन लिया है दुकान से। तो और यहाँ पे डिटेल्स में कुछ बता दूँ मैं आपको, 1 मोबाइल फ़ोन, 1 बैटरी, 1 ट्रेबल अडेप्टर, 1 डेटा केबल, 1 स्टीरियो हेडफोन, तो इतना वगैरह इसमें मिल जाता है। तो ये मैंने ऑफलाइन लिया था, तो यहाँ पे मैं आपको बिल दिखाऊंगा। ये मुझे लगभग 11,000 रुपये का पड़ा है। और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। तो ऑनलाइन में करीब 10,990 रुपये तक पड़ता है। और ये है हमारा बिल जो कि दुकान से हमें मिला है, सब GST वगैरह सब मिला के ये हमको करीब 11,000 रुपये का पड़ा है। तो इसको रखते हैं साइड में और निकालते हैं अपना फ़ोन। तो ये देखिए, ये है हमारा फ़ोन, इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं देखने को। तो यहाँ पे मिल जाते हैं इसमें कुछ पेपर्स वगैरह जो कि है, इसको निकालेंगे पहले। यहाँ पे मिल जाते हैं क्विक स्टार्ट गाइड और बाकी ये कुछ वारंटी कार्ड जो कि है 1 ईयर के साथ, और यहाँ भी एक गाइड भी है, तो इसको रखते हैं साइड में। और क्या है इसके अंदर, यहाँ पे मिल जाता है आपको USB चार्ज करने के लिए, और यहाँ पे मिल जाता है आपको बेसिक सा हेडफोन जो कि आप पुराने मोबाइल में भी देख सकते हैं, यही आता है, इसके साथ भी यही आया है। और ये है हमारे फ़ोन की बैटरी जो कि है 3000 mAh की। तो चलो ठीक है, तो ये इसको रखते हैं साइड में। और इसमें मिल जाता है आपको ट्रेबल अडेप्टर यानी चार्जर जो कि है 5 वोल्टेज 1 एम्पियर के साथ। तो 1 एम्पियर तो फास्ट चार्जिंग तो होगा नहीं, तो ठीक है चार्ज तो हो ही जाएगा, तो ये रखते हैं साइड में। और अब अपने फ़ोन की बात करेंगे, तो यहाँ पे मिल जाता है आपको 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले, और यहाँ पे मिल जाता है होम बटन नीचे, और यहाँ पे मिल जाता है आपको चार्जिंग पोर्ट, और साथ में है माइक, और यहाँ पे 3.5 का हेडफोन जैक, और यहाँ पे ऑन ऑफ बटन। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन बटन, और साइड में मिलता है फ्लैश लाइट, स्पीकर, सेंसर और फ्रंट कैमरा जो कि 5 मेगापिक्सल का है, और इसका बैक कैमरा जो है वो 13 मेगापिक्सल का है विद फ्लैश के साथ। तो फ्लैश तो दोनों तरफ है, तो खोलते हैं इसको और लगाते हैं इसमें बैटरी और करते हैं ऑन। यहाँ पर देखिए ये कवर भी कुछ पतला सा हल्का सा प्लास्टिक का कवर है, तो ठीक है पतला सा हमको क्या करना है। तो यहाँ पे लगा सकते हैं आप 2 माइक्रो SIM और 1 SD कार्ड भी लगा सकते हैं, यानी मेमोरी कार्ड भी आप इसमें डाल सकते हैं, जो होगा इसकी कैपेसिटी होगी 256 GB। और यहाँ पे कुछ ब्रांडिंग सैमसंग का, तो लगाते हैं बैटरी।
कर लेते हैं। एक्चुअली सैमसंग ने पता नहीं क्या सोच के ये मोबाइल लॉन्च किया, इसमें कुछ चलो ठीक ही है, अगर इसमें एक फिंगरप्रिंट मिलता तो और अच्छा होता था, चलो कोई बात नहीं। वैसे अगर दूसरे मोबाइल से कंपेयर करोगे आप तो इसमें कुछ कमियां नज़र आती हैं। चलो ठीक है, सैमसंग की ब्रांडिंग अच्छी होगी, तो देखते हैं यूज़ करके। ये देखिए, ये हो गया ओपन, और यहाँ पे जब आप स्लाइड करोगे तो कुछ इस तरीके का मेनू आता है स्लाइड से, तो काफ़ी अच्छा है शॉर्टकट में। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कुछ शॉर्टकट ऑप्शन, जो कि है शिकर फोल्डर और ब्लू लाइट फिल्टर, पावर सेवर, सब वही है। और साइड में आपको मिल जाता है डॉल्बी एलमोस, जो कि आपके हेडफोन के साथ काम करता है। अब चलते हैं सेटिंग में, देख लेते हैं इसके बाकी फ्यूचर क्या है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा देखने को खास है नहीं, और यहाँ पे वही आपकी इजी मोड और तुम्हारे स्क्रीन सेवर, ब्राइटनेस वगैरह। यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे तो आप आउटडोर का मोड लगा सकते हैं लाइट बढ़ाने के लिए। यहाँ पे मिल जाता है आपकी आँखों की रोशनी को बचाने के लिए ब्लू का ऑप्शन, ब्लू फिल्टर, तो काफ़ी अच्छा है ये भी, ठीक है। और यहाँ पे आपको कलर चेंजेस करने के लिए कुछ मिल जाता है, तो ठीक है। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो आप इसमें फेस लॉक देखोगे तो आपको नहीं है, तो इसमें बेसिक से वही पुराने ऑप्शन हैं जैसे पैटर्न, पिन, पासवर्ड वगैरह। तो चलते हैं सिक्योरिटी में, शायद इधर हो। तो फिलहाल इसमें तो कुछ नहीं है खास कुछ देखने के लिए, जो नॉर्मल फोन में आते हैं वही ऑप्शन है अबाउट में। दोस्तों यहाँ पे मिल जाता है आपको ओरियो 8.0 ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पे हम बात करें प्रोसेसर की तो यहाँ पे क्वाड कोर प्रोसेसर मिल जाता है आपको 1.4 GHz की स्पीड में। तो ये है बेसिक सा इसका ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, और अब चलते हैं आगे। एक्चुअली मैं एक बात बोलूं तो ये फ़ोन सही भी है, और अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो अब इसकी बात करते हैं कैमरे की, तो ये मेरी सेल्फी हैं जो कुछ मैंने इसी कैमरे से लिए हैं, तो काफ़ी क्लियरिटी अच्छी है। शायद आपको दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन मैंने ट्राई किया तो कैमरा काफ़ी क्लियर है इसका। और यहाँ पे बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरा ये मैंने कुछ दो फ़ोटो लिए थे शाम के टाइम पे, थोड़ा अंधेरा था तो इतना क्लियर नहीं आया, लेकिन फिर भी ये देखिए मैंने जूम करके रखा था, ये देखिए काफ़ी क्लियरिटी अच्छी है। तो ले सकते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है, फ़ोन ठीक है। एक फिंगरप्रिंट अगर होता तो और अच्छा होता, चलो कोई बात नहीं। अब इसकी डिटेल में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक सीखते रहिए, देखते रहिए कुछ नया सीखे चैनल,
अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फेसबुक में, व्हाट्सएप में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आशा करता हूँ आपको हमारे दूसरे वीडियो भी पसंद आएंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।